दिस इज योर एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 वी आर हैविंग फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. हमने फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 उनका सम निकालना है. तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स, पहले आप लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेंगे डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 6 का टेबल आ जाएगा आपका एंड सो ऑन. आप चाहो तो क्योंकि 40 नंबर्स हैं तो लास्ट नंबर डायरेक्टली 240 लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लेके चल सकते हो. नाउ हियर यू आर हैविंग द फर्स्ट टर्म एज 6, द कॉमन डिफरेंस एज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज ऑल्सो 6. सो वी आर टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स. फॉर्मूला हमें पता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सिंपली यू विल पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 39 इंटू डी इज 6. सो वी आर हैविंग 20 इंटू 12 234, 20 into 245, 4900. So this will be your answer. 246 आएगा यहाँ पे. It will be 246. So 4920 will be your answer. So the sum of first 40 positive integers divisible by 6 is 4920. This is the symbol for positive integers is 4920. So this was your question number 12. Question number 13, exactly similar. This is your homework part. Find the sum of first 15 multiples of 8. 8 के first 15 multiples का आपने sum निकालना है. So this will be your homework part. Now we are doing question number 14. Question number 14 में we are having find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 से लेके 50 के बीच में between है. तो 0 और 50 विल नॉट बी इंक्लूडेड अगर ये ऑड नंबर होते. वैसे तो ये इवन है तो हमने इनको लेना ही नहीं है. तो बिटवीन 0 एंड 50, सो ऑड नंबर्स जो हैं, यानी कि जो आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी दैट विल बी 1, 3, 5 एंड सो ऑन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14. ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर. सो लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गई, हमारे नंबर्स बन गए, या यू कैन से कि जो हमारा सीरीज बना दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. 50 तक हमारे पास जो है वो हमें पता है क्योंकि एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड होता है. सो वी नो दैट जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी दैट विल बी 25. नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 25 बनेगी. या आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पता लगता. तो यहाँ से ए आपके पास 1 है, डी आपके पास 2 आएगा और ए एन आपके पास 49 है. सो यू आर टू फाइंड आउट एन. अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सिंस देयर आर टोटल 50 नंबर्स तो आउट ऑफ दैट 25 विल बी द ऑड नंबर्स. 49 is equal to 1 plus n minus 1 into 2. So this is 49 minus 1 is equal to n minus 1 into 2. 48, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड करेगा तो यहाँ से आपके पास 24 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 25. या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली ऑल्सो.
कि सिंस वी आर हैविंग टोटल 50 नंबर्स, आउट ऑफ दैट 25 विल बी द ऑड. अब हमें इनका सम निकालना है, तो इट मींस वी आर टू फाइंड आउट सम ऑफ दीज 25 नंबर्स. सो दैट इज गिवन बाय ए है हमारे पास 1, एंड दिस इज ए एन. मैंने अब फॉर्मूला ए इंटू ए एन वाला लगा दिया है यहाँ पे. सो दिस विल बी 625. तो सम ऑफ फर्स्ट 25 आपके जो ऑड नंबर्स हैं, दैट इज 625. सो सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625. लास्ट में आप लिखोगे ये सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 is 625. So this will be your answer. So this was your exercise 5.3. इसके जो आगे वाले questions हैं, that one are the deleted. So you need not do sum of numbers, sum of AP वाले जितने भी application problems हैं या word problems you can say, that are deleted from the syllabus. So moving on to the next exercise 5.4. ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये आपकी. ऑप्शनल में से भी बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑप्शनल एक्सरसाइजेस. इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले, जिसमें सम वाला मेथड आपका यूज होना है, दैट आर द डिलीटेड वंस. क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी 121, 117, 113 and so on इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इस एपी के लिए कौन सी टर्म जो है दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो जब भी हमें टर्म की बात करते हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए एन एनथ टर्म. तो हम मान लेंगे लेट एनथ टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी. ये नेगेटिव के लिए सिंबल है. तो मुझे जो एपी गिवन है, मुझे क्योंकि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी थी, तो मैंने मान लिया कि जो nth टर्म है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. इट मींस नाउ जो ए एन है उसको मुझे लेके चलना है, दैट ए एन इज लेस देन 0. नेगेटिव टर्म है तो ऑब्वियसली कि जो nth टर्म है दैट विल बी लेस देन 0. तो यहाँ से ए आपके पास 121 गिवन है. डी इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो 117 माइनस 121 दैट इज माइनस 4. और एन की वैल्यू मुझे निकालनी है कि कौन सी टर्म जो है इसके लिए दैट विल बी लेस देन 0. अब हम जो है इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का. तो ए एन इज लेस देन 0 फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म. जो ए एन है वो आपका लेस देन 0 है. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. ए हमें 121 गिवन है, एन हमने कैलकुलेट करना है, डी हमें माइनस 4 गिवन है. So 125 माइनस 4n इज लेस देन 0. अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि अगर आप 125 को इधर लेके जाओगे, तो आपका जो बनेगा ये दैट विल बी 125 माइनस 4n इज लेस देन माइनस 125.
अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम इन इक्वालिटीज के साथ डील करते हैं और नेगेटिव साइन हम कट करते हैं, तो जो आपका साइन ऑफ इन इक्वालिटी होता है वो आपको चेंज करना पड़ता है, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, 4n इज ग्रेटर देन 125। जब आप नेगेटिव नंबर्स लेते हो, साइन ऑफ इन इक्वालिटी आपको चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? क्योंकि अगर मुझे गिवन है -2 जो है दैट इज ग्रेटर देन -3, अब मैं अगर इनके नेगेटिव साइंस कट कर देती हूँ विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन, तो ये मेरा क्या बन गया, 2 greater than 3 विच इज फॉल्स। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कि मेरी फॉल्स कंडीशन ना बने, जब हम नेगेटिव साइंस कट करते हैं तो साइन ऑफ इन इक्वालिटी जो है आपका वो आपको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ आपका ये बन जाएगा 2 is less than 3। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, -4 and 125 को आप जो इंटरचेंज होता है वो नॉर्मल जैसे इक्वल टू के साइन के साथ होता है वैसे ही करते हो, 125 को आप इधर लेके गए तो वो -125 बन गया। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव साइंस थे तो जब आपने साइंस कट किए, साइन ऑफ इन इक्वालिटी आपको चेंज करना पड़ता है, ग्रेटर है तो लेस कर दो, लेस है तो ग्रेटर कर दो। या फिर अगर ये कंसेप्ट नहीं याद रहता तो फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो आपका ये है 125 है इसको इधर ही रखो, या ये दो स्टेप्स कर लेना, अदरवाइज ऐसे कर लेना, इसको 125 को आप इधर रखोगे, 4n माइनस को आप इधर ले जाओगे, तो ये बन गया। दैट्स वन एंड द सेम थिंग कि 4n आपका ग्रेटर है 125 से। सो 125/4 इज लेस देन n, यानी कि n इज ग्रेटर देन 125/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी 31 and 1/4 इज लेस देन n, यानी कि n की जो आपकी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 31 and 1/4। अब जो आपका है n की वैल्यू है वो आपको इंटेग्रल वैल्यू लेनी होती है, और यहाँ वो क्या कह रहा है कि n 31 and 1/4 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए an विल बी लेस देन 0। तो इट मीन्स कि n से जो 31 and 1/4 से जो हमारा नेक्स्ट इंटीजर बनेगा दैट विल बी द आंसर। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा, 32, यानी कि जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी दैट विल बी द 32nd टर्म। तो ये चीज का आपने यहाँ से जो स्टेप्स हैं इनका मेन ध्यान रखना है। सिंपली आपको उसने क्या कहा था, विच टर्म ऑफ द एपी जो है दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहले जो है हमने अज्यूम कर लिया कि जो nth टर्म है दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। टर्म निकालनी थी आपको, विच टर्म मीन्स उसका कौन से नंबर वाली टर्म की हम बात कर रहे हैं, n निकालना है तो हम उसके लिए nth टर्म उसको अज्यूम कर लेते हैं। a हमें गिवन है, d हमें गिवन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए एन हमने माननी थी, नेगेटिव है मीन्स दैट इज लेस देन जीरो। ए एन का आपने फॉर्मूला लगाया वैल्यूज पुट की, आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन 31 and 1/4 मीन्स जो नेक्स्ट इंटेग्रल वैल्यू है दैट इज 32। सो 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आंसर आप लिखेंगे, 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो दिस विल बी योर आंसर, so note it down and after that we will do the second question। main आपने ये दो जो steps हैं इनका ध्यान रखना है, अगर आप -4n इधर रखते हो, 125 इधर लेके जाते हो, इन इक्वालिटी के साइन के अगर दोनों साइड पे आपका नेगेटिव साइन है उसको कट करके साइन ऑफ इन इक्वालिटी आपने चेंज करना है। जस्ट अ मोमेंट रिशित। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये एक्सरसाइज के आपके सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ आपने ध्यान रखना है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू यहाँ आ रही है उससे नेक्स्ट इंटीजर आपने लेना है। इन केस अगर यहाँ पे पूरा पूरा वो आपका डिवाइड होके 31 भी आपको दे रहा होता, तो n क्योंकि ग्रेटर देन 31 है तो 31 से अगला जो आपका इंटीजर बनना था वो भी 32 लेना था। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको, सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6।
थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम, एक एपी आपको गिवन है, उसकी थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है दैट इज गिवन टू बी सिक्स. उसके साथ सेकंड क्या कह रहे हैं कि एंड देयर प्रोडक्ट इज ए, और इन्हीं का ए थ्री और ए सेवन का प्रोडक्ट जो है वो हमें कितना गिवन है, एट. सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी. हमें फर्स्ट 16 टर्म्स का सम जो है वो कैलकुलेट करना है. हमें गिवन है थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 गिवन है, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट हमें 8 गिवन है. वी आर टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स. तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी. And the common difference is D. So we are given the sum of third and seventh term to be equal to 6. This is according to question. अब इनकी हमें पता है values A3 और A7 की, तो इनकी हम values put कर देंगे. A3 हमें पता है that is A plus 2D. A7 जो है that is A plus 6D. Equal to 6. तो ये बन गया 2a plus 8d equal to 6. यहां से हमने a निकाल लिया, that is 3 minus 4d. मैंने d वाली टर्म जो है वो a के फॉर्म में लिख ली, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 minus 4d. अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 8. मैंने एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि वहां हम जब वैल्यू पुट करेंगे इससे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ अगेन एक वेरिएबल रह जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी ईजी हो जाएगी. सो a 3 यानी कि a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d is equal to 8. अब यहाँ पे हम a की ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3 minus 4d. Let this be your equation number 1. So using 1, a को मैंने रिप्लेस किया 3 minus 4d से, plus 2d as it is, और a को रिप्लेस किया 3a minus 4d, 3 minus 4d प्लस 6d एज इट इज. सो ये बन गया आपका 3 माइनस 2d इनटू 3 प्लस 2d एंड दैट इज इक्वल टू 8. अब ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b इनटू a प्लस b, सो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8. 9 माइनस 8 is equal to 4d square. D square आ गया आपके पास 1/4 और d आ गया आपके पास plus minus 1/2. तो d की value आ गई हमारे पास plus minus 1/2. अब एक बार इसको plus लेके चलो और एक बार minus लेके चलो and find the value of a. ये इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान देना. When d is half, positive है जब ये, तो a आ गया आपका 3 minus 4 into half, यानी कि a की value आ गई आपकी 1. And when d is minus half, तो उस टाइम पे a आ गया आपका 1 into minus plus हो जाएगा, तो ए आ गया आपका 5. डी हाफ पे ए इज 1, डी माइनस हाफ पे ए इज 5. अब ये जो है हमें सम निकालना है इसका, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स हम निकालेंगे. तो एस 16 इज गिवन बाय फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज. n by 2
into 2a plus n minus 1 यानी कि 14 into d. कैलकुलेशंस चेक कर लेना एक बार. सो द सम ऑफ दीज टर्म्स, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, यू आर टू फाइंड कि क्या मिस्टेक मैंने की है. इन दिस आई हैव मेड वन मिस्टेक. यस शिवांश. मैम 16 टर्म्स का सम निकालना. वी आर टू फाइंड आउट एस 16. अगर 15th टर्म होता देन दिस वन इज करेक्ट. हमें एस 16 निकालना है तो दिस विल चेंज. इज द आर द दीज कैलकुलेशंस करेक्ट और स्टिल देयर इज सम मिस्टेक? अभी भी एक मिस्टेक है. यस अमृत. आपने ए वन लिया हुआ और डी माइनस वन बाय टू लिया हुआ. ए वन के साथ डी जो है आपका दैट इज प्लस हाफ. सो दिस विल बी, इज इट करेक्ट नाउ? यस हर्षित. मैम 4 की प्लेस पे 2 आएगा. हां जी 19/4 की प्लेस पे 2 यहां कितना हो जाएगा 76. इज इट करेक्ट नाउ? ओके अब d इक्वल टू माइनस हाफ, a इक्वल टू 5. विल द वैल्यूज बी सेम और द वैल्यूज विल बी डिफरेंट फॉर दीज टू? सम जो है दोनों का वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? कैलकुलेट करो जल्दी से बताओ. व्हेन ए इज 5 एंड डी इज माइनस हाफ, एस 16 की वैल्यू आपकी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? कैलकुलेट करो जल्दी से. डी माइनस हाफ, ए 5. यस शिवांश. मैम 20 आ रही वैल्यू. यस दोनों की वैल्यूज आपकी डिफरेंट आएंगी क्योंकि जब आप डी और ए डिफरेंट लेके चल रहे हो तो आपका जो बनेगा एपी बनेगा दैट विल बी डिफरेंट. तो दोनों की वैल्यूज आपकी डिफरेंट आएंगी. So this one is 20. So sum of the first 16 terms when d is minus half and a is 5 is 20. And when d is half, a is 1, then the sum of first 16 terms is 76. क्योंकि आपकी AP different बन रही है तो ये भी different बनेगा आपका. So after this जो आपके question number है 3, 4, and 5 that are again the deleted ones. With this, this chapter is over. Today I will send you an assignment of this chapter also. Usse pehle yahan tak kisi ko koi doubt hai to you can ask. Otherwise, main aage karwa rahi hu aapko. No doubts. So moving on to the next, हम जो है chapter start करेंगे, that is chapter number 10, circles. Important concepts हम पहले करेंगे इसके.
Okay, any one of you? Yes, Jasleen, your hand I can see is raised. हाँ जी बेटा. मैम 5.4 में से फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में से कोई होमवर्क करना है? बोथ ऑफ दीज आर होमवर्क पार्ट्स बेटे, फर्स्ट भी एंड सेकंड. दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चंस, तो बोथ ऑफ यू विल डू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, सर्कल्स. एपी की आई विल सेंड यू द असाइनमेंट. यू विल बी हैविंग 3 days टू डू दैट असाइनमेंट एंड आफ्टर दैट आई विल टेक योर डाउट्स फ्रॉम दैट. And now we are starting with chapter number 10, circles. Important concepts कर रहे हैं अभी हम इसके फिलहाल. Okay, any one of you, what do you mean by a circle? I'm giving you the option to unmute. So one by one you will unmute and tell me what do you mean by a circle. If you are to define a circle, तो how will you define it? ओके चलो, अगर वैसे बताना हो आपको, डेफिनेशन नहीं प्रॉपर देनी, वैसे बताना हो तो हाउ विल यू एक्सप्लेन अ पर्सन की सर्कल क्या है. नाइन्थ में भी बेटे सेम थिंग है आपकी. सर्कल को अगर आपको डिफाइन करना है तो दिस इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट. लोकस मींस वट एवर पाथ इट इज ट्रेवलिंग. एक पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट को मैं ट्रेवल करवा रही हूँ, मूव करवा रही हूँ इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. जो भी इसका डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, जिसको मैंने लेट अस सपोज कि आर ले लिया. अब जब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, जो सेंटर है आपका, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट. तो जब ये पॉइंट मूव करेगा इस तरीके से कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट हमने सेम रखना है, तो दैट विल ट्रावर्स अ पाथ विच फॉर्म्स अ सर्कल. आप इसको कहीं पे भी मूव करोगे, बट ये दोनों का डिस्टेंस जब आपको सेम रखना है, आपको पता है कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस आप कहीं से भी लेके चलते हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल. तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो, दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. और यू कैन से this is a collection of all the points which are at a fixed distance from a fixed point. Fixed point से जितने भी points ये सारे हैं, जब हम इन सबकी collection ले लेते हैं, which are at a fixed distance from this fixed point, तो they form a circle. या फिर दूसरे words में अगर कहें तो this is the locus of a point which moves at a fixed distance from a fixed point. तो दोनों में से किसी तरीके से भी आप इसको ले सकते हो. जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो फिक्स्ड डिस्टेंस है या कांस्टेंट डिस्टेंस यू कैन से दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट आता है कि सर्कल के ऊपर मान लो कहीं पे भी आपके पास 2 points हैं सर्कमफ्रेंस पे. बाउंड्री ऑफ द जो सर्कल है दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. समटाइम्स पेरीमीटर वर्ड इज ऑल्सो यूज. अब यहां से आप जब इसकी बात कर रहे हो, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हो, तो सर्कल जो आपका बन रहा है, यू नो सेंटर ओ, या मैंने ये अगर ए बी सी कहीं पे भी कोई पॉइंट मैंने ऐसा लिया, पी से ही मैं डिनोट कर रही हूँ उसको, तो कहीं पे भी मैंने ऐसा पॉइंट लिया सच दैट ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को. ए मैंने रेडियस ले लिया, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को. अब अगर मैंने ऐसा पॉइंट लिया पी इज सच दैट कि ओ पी जो है आपका दैट इज लेस देन रेडियस. तो एक पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस बनता है तो दैट पॉइंट विल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अगर उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू आर बनता है तो दैट विल लाई on the circle. और अगर वो पॉइंट इस तरीके से लाई कर रहा है कि OP जो है डिस्टेंस वो ग्रेटर देन R बनता है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल. आउटसाइड द सर्कल मीन्स इट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल.
सो ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑन द सर्कल. ये सारी चीजें आपको पता है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग. जब इंटीरियर प्लस हम सर्कमफ्रेंस लेके चलते हैं तो दैट गिव्स यू द रीजन, इंटीरियर रीजन, या यू कैन से सर्कुलर रीजन. परफेक्ट वर्ड उसके लिए सर्कुलर रीजन है. सर्कुलर रीजन इज इंटीरियर रीजन प्लस सर्कमफ्रेंस. एंड एक्सटीरियर रीजन जो है दैट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. नाउ एज द बेल हैज गॉन, तो रेस्ट ऑफ द concepts we will do tomorrow. Tomorrow you are having two periods, so in both the periods we will be doing this chapter only. So if any doubt is there you can ask, otherwise you can leave the meeting.